नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता और उसके एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम किसी हमारे व्यूअर के सवाल के साथ ये प्रश्न नहीं है बल्कि एक आप कह सकते हैं ये मेरी भी जिज्ञासा है ये मेरे मित्रों की भी कुछ जिज्ञासा रही जब भी हम इन विषयों पर बात करते थे कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कहाँ अटकता है ये डिबेट जब हो रही थी हम लोग इस पर अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे थे तो एक कॉमन परसेप्शन ये उभर कर सामने आया कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमको अटकाती है वो है स्मृति मेमोरी आपने कुछ अच्छा किया है तो आप उसकी तरफ बार बार जाते हैं आपके परिवार में किसी ने कुछ अच्छा किया है ये प्याऊ हमने हमारे दादाजी ने बनवाई थी इस धर्मशाला के निर्माण में हमारे दादाजी ऐसे थे हमारे पिताजी ऐसे थे इतने साहसी थे इतने बहादुर थे इतने ईमानदार थे इतने वीर थे बहादुर थे और इसी तरह एक दूसरी चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोरी नेगेटिव मेमोरी का हम जिक्र नहीं करते लेकिन घुटते रहते हैं किसी दोस्त के साथ जिसके साथ कुछ विवाद हुआ है ना उसने किसी से कुछ कहा है ना आपने कुछ कहा है लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो नज़रें बचाते हैं क्योंकि मेमोरी में अटका है कि हमारे बीच में एक तीखी झड़प हुई थी और हमने एक दूसरे को बहुत कुछ बुरा भला कहा था या आपसे कोई गलती हो गई है उस तरह की परिस्थितियां या वैसी घटनाएं आ जाती हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला है तो पुलिस को देख लोग कहते हैं कि दिल की धड़कने तेज हो जाती हैं सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है बड़ा सहज दिखने की कोशिश तो करते हैं तो ये जो असली घटना है स्मृति अच्छी भी और बुरी और ये दोनों ही किसी मैग्नेट की तरह हमको हमारे साथ चिपक जाती है या हम उनसे चिपक जाते हैं दावा तो करते हैं कि नहीं नहीं हम वर्तमान में जी रहे हैं वर्तमान में जी रहे हैं लेकिन कई बार एक शब्द जो साहित्यकार प्रयुक्त करते हैं स्मृति जीवी है तो ये स्मृति जीविता यानी मेमोरी पर ही जीवन जीना कल ऐसा हो गया था आज वैसा ना हो जाए यार इस रास्ते से जब भी जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ से नहीं अब वो स्मृति आपका पीछा कर रही है और ये स्मृति आपके जीवन को अनेक अनेक रूप से बाधित करती है अच्छी भी अब वो अच्छी भी है तब भी आप रट्टू तोते की तरह बार बार कह रहे हो मैं तो ऐसा आदमी हूँ मैं तो झूठ नहीं बोलता और मैं तो भैया मुझे बहुत धोखा देते हैं तमाम बातें हैं आज इसको समझेंगे कि अध्यात्म की यात्रा में ये स्मृति जीविता कितनी बाधा उत्पन्न करती है इसमें तथा कथित सकारात्मक पक्ष भी है और तथा कथित नकारात्मक पक्ष भी हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी आपको जी आज आप अध्यात्म सागर में ऐसे जल में गोता लगाने के लिए तैयार हो गए हैं जी आ, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ अध्यात्म की शुरुआत जिस बीमारी के लिए जिस रोग के लिए होती है वह स्मृति ही है स्मृति चाहे सकारात्मक हो स्मृति चाहे नकारात्मक हो, जी। ये हमें बंधन से मुक्त नहीं होने देते स्मृति वो खूटा है जिसमें हमारी जीवन की नाव बंधी रहती है तो वो उस यात्रा में ही निक, नहीं निकल पाती वो तो बंधी हुई है ना हम खाली चप्पू चलाते रहते हैं तो हमारी तो बंधी वो खूटे में बंध गई ना मैं के खुटे बंद रही जीवन की पतवार तो हमने वो नाव ही बांध दी वहां पर उस खुटे में उस खुटे को ही उस बंधन को ही उस रस्सी को ही उस गांठ को ही स्मृति कहते हैं इसके आधार पर आप चौरासी के बंधन में भटकते रहते हैं जो फेरा चलता है चौरासी वो इसी में चलता है ध्यान रखिएगा जब हम शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के साथ में हमारे साथ चार सूक्ष्म तत्व इस शरीर के साथ ही जाते हैं जैसी आत्मा उद्धोगामी होकर और उदान पथ पर अग्रसित होती है प्राण के माध्यम से और ब्रह्म कपाल पर स्थित होकर वो बाहर उधोगामी होकर पूरे वेग से निकलती है तो उसके साथ निकलता है मन उसके साथ निकलता है मन मन वो स्क्रीन है हाँ। मन वो चित्रपट है जिसमें स्मृति के दर्शन करते हैं कहाँ से बुद्धि से हाँ हा फिर मन हाँ। के साथ बुद्धि निकलती हाँ। बुद्धि जो है वो यंत्र है यंत्र है उस यंत्र में जो चीजें स्मृति उसी में लगी हुई है बुद्धि में तो बुद्धि जो है उसको मन के पटल में उसका चित्रांकन करती है ना उसको आधार पर आप देखते हैं स्क्रीन जैसे फिल्म देखने दे जाते हैं फिल्म है की तरह होता है तो आप फिल्म हाँ। देखते हैं तो आपको सामने दृश्य दिखने लगता है सब तो वो दृश्य वही दिखता है ना जो बुद्धि चलाती है बुद्धि चलाती है तो बुद्धि निकलती है उसके साथ मन निकलता है ध्यान जितने भी नाम ले रहा हूं ये नहीं है सूक्ष्म है आप मस्तिष्क को दिखा सकते हैं बुद्धि को नहीं तो आप भ्रम में मत रहिए कि मस्तिष्क हमारी बुद्धि है मस्तिष्क तो जल गया वो खोपड़े के साथ जल जाता है बुद्धि मन फिर आपका अहंकार जीव भाव शरीर छोड़ने का भाव जिसके लिए हमारे पुराण कहते हैं तरह तरह के प्रयत्न कराए जाते हैं ये भी जाते हैं क्रिया भी जाते वो पुत्र जो है आखिरी है, संस्कार है वो, नस्थ नस्थ हो जाए। ताकि वो स्मृति में भ्रंश हो जाए नष्ट हो वही प्रक्रिया वही प्रक्रिया संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए देखिए हमारे ऋषियों ने पूरा पूरा प्रबंध किया है क्योंकि आप तो अवचेतन अवस्था में और स्मृतियां आपके साथ हैं तो वो कपाल क्रिया का वर्णित कर दी गई है बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है सनातन संस्कृति उसमें वो एक बांस में लोटे बा, बा, बांध करके जो है वो वहाँ तक ले जाता है और अपने को एक अपने मस्तिष्क को जो है जो एक झटका लगाता है मस्तिष्क कई बार तो आवाज आती फट की और उसके ऊपर घी डाल देता है कि उस स्मृतियों से आपको विच्छिन्न कर दिया जाए जागृत कर दिया जाए क्या आप संसार छोड़ दें लेकिन आप तो संसार में फंसे रहते हैं ना आपकी बुद्धि में वो रहता है तो आपका जीव भाव आपके साथ चलता है है उसको कहते हैं अहंकार अहंकार वो सूक्ष्म हो जाता है। वही आपको आत्मा से जीव बनाने वाला है ना आप जीव बन गए जीव बन गए शरीर में हूं ये मान लिया है जबकि शरीर तो आप है नहीं शरीर में बैठे हुए रथ ही है तो रथ को लेकर चलने वाला वो अहंकार भी आपके पास चलता है तो ये सारे मिलकर जब शरीर के साथ चलते हैं तो यही स्मृतियां पुनरअ जनमम पुनरप मरणम पुनरप, पुनरप जठरी जठरे सरनम करती है यही आपको आपको ये दक्षिणायन से यात्रा कराते हुए ले जाकर पितृलोक में स्थित कर देती है वहां आप अंतरिक्ष शस्त्राचर में उस दिव्यता के साथ समाहित नहीं हो पाते ना उस सूर्य में मिल नहीं पाते उस आत्मा को परमात्मा में समाहित होने से रोक देते हैं आप होटलों में ठहर जाते हैं हो, हो, आप भवनों में रुक जाते हैं आप अट्ट अट्टालिकाओं में रुक जाते हैं जो आपके पुण्य कर्मों से मिलता है जैसे आप पित्र लोग स्वर्ग लोग इत्यादि इत्यादि लोग का नाम देते हैं ये भी पड़ाव है ये सब पड़ाव है हाँ। तो यहाँ सब रुक जाते हैं हाँ। पाथे लिए हुए स्मृतियों का जबकि वो पाथे यानी टिफिन लिए हुए स्मृतियों का वो स्मृतियां आपको बेचैन करती हैं जाने नहीं देती जन्म जन्मांतर की स्मृति याद रहती है आप तो मैं पुराण की प्रक्रिया तो दूर की हो गई मैं आपको 2500 वर्ष के पहले की प्रक्रिया याद दिलाता हूं जब हमारे यहां पर एक तीर्थंकर आए भगवान महावीर भगवान महावीर के जैन धर्म दर्शन के अनुसार 24 जन्म हुए अलग अलग रूपों में जन्म लिया हमारे यहां जैसे इन्हीं स्मृतियों के कारण जड़भरत का प्रकरण है हमारे यहाँ कितना सुंदर प्रकरण ऋषभ देव की सौ संताने ऋषभ देव परमात्मा के अंश से आए जो जैन धर्म दर्शन में आदिनाथ कहलाते हैं आदि पुरुष कहलाते हैं वो हमारे परमात्मा के अवतरण से आए उन्होंने सिद्ध परमहंसी मार्ग प्राप्त किया वर्था गता तस् नरस्य जीवनम कुछ नहीं है उन्होंने चेतना का वस्त्र धारण किया उन्होंने अंबर की छाव ग्रहण की वो सच, अपने शिष्य अपने पुत्रों को बुलाते हैं सौ पुत्र हुए उनके इक्यासी पुत्र जो हैं वो विप्र हो गए आ, उस, उस मार्ग को ग्रहण कर लिया आ, अपनी प्रक्रियाओं में लेकिन जो उसमें उस से आ, आ, ये पिपलादी इत्यादि जो है वो ऋषि हुए जिन्होंने जनक को संवाद सुनाया है तो उन्होंने इस भूमि इस, इस धरा में जो है अपने पुत्रों के नौ खंड करते हुए अपने पुत्रों को सत्ता दी और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत वो चक्रवर्ती सम्राट हुए उन्हीं भरत के नाम से आर्यावत को भारत देश कहा जाता है अच्छा 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 बात इस स्मृति की आ रही ध्यान जे, जे। है ध्यान रखिएगा कैसे स्मृतियां भटकाती तो हमारे भरत जो है जम्बूदीप के अधिपति हुए जो सात खंड होने के उन्होंने जम्बुदीप को नौ भागों में विभाजित किया सप्त खंड को जम्मूदीप नौ खंड में विभाजित कर दिया और एक खंड जो है उन्होंने अपने यशस्वी पुत्र को सौंपा सुमित इत्यादि को और वो चले गए छोड़ करके जंगल में वन में ध्यान धारणा करने के लिए अब देखिए स्मृतियाँ कहाँ हैं उत्तरार्ध में जब आपके पैर डगमगाने लगे तो आप समझ लीजिए ये जन्म जन्मांतर की स्मृतियाँ आपको पथभ्रष्ट कर रही हैं बहुत सारे लोग जीवन में सतोगुणी भाव से रहते हैं और आप देखिए जैसी वृद्धावस्था में पहुंचने को होते हैं वैसे उनके रहन सहन में अंतर आ जाता हमको है उनको सुनिए बैठी हो क्या बोलते हैं क्या मिला मुझे जीवन में मैं जीवन भर ये खाता रहा घास पत्ता फूल और भगवान की पूजा करते रहा क्या मिला वो जागृत हुई जन्म जन्मांतर की स्मृतियाँ उपत भ्रष्ट हो जाते हैं उस शिखर पर पहुंचकर पदच्युत हो जाते हैं हाँ। कई बार एक छोटे बच्चे में प्रखरता देखते हैं आप। छोटा बच्चा है बातचीत इतनी सुंदर सलीके से करेगा उसके व्यवहार में उसके आचरण में कुशाग्रता विद्यमान होगी स्मृति ये जन्मों की स्मृति आपके साथ विद्यमान होती है तो भरत जब वहां पहुंच करके जो है गंडकी नदी के तट पर ध्यान धारणा में लगे थे सूर्य की आराधना करते थे जब तप करते थे बैठे थे तो उतरार्थ चल रहा था उनका तप सिद्ध होने को था तभी वहां पर जो है एक दिन जब सूर्य को अर्ध्य दे रहे थे तब वहाँ पर एक गर्भवती हिरणी जो है वो शेर के भय से छलांग लगाकर उनके सामने गिरी शेर की धाड़ से कपते हुए वो गर्भवती थी गर्भपात हुआ तो छोटा शिशु जल में बहता हुआ इनके पास ही आ गया शरणागत वत्सल थे उसने उस छोटे हिरण को अपने पास रख लिया और रख करके उसकी सेवा करना देखना दाना पानी खिलाना उसके लिए व्यवस्था करना अब उनकी पूजा एक कोने में चली गई और उसी में ध्यान दिया करते थे श्रीमदभागवत तो वर्णित कथा है अब स्मृति देखी कैसे आती तो वो उन्हीं प्रक्रियाओं में रमे रहे और रमे रमे वो उनकी उत्तरा उत्तरार्थ का जीवन यह लीला समाप्ति का जब समय आया और मृत्यु की गोद में जब सोने लगे तो आँख खुली हुई थी और वो हिरण उनको देख रहा था और वो हिरण को देख रहे थे ओ, मेरे जाने के बाद क्या होगा इसका कोई शेर आके ना खा ले हिरण भी बिल्कुल नम नेत्रों से उनको देख रहा था कि मेरे स्वामी महाप्रयाण कर रहे हैं और हिरण को देखते देखते उन्होंने प्राण तजे प्रान तो कलिंजर पर्वत में दूसरे जन्म में हिरण ही बने ओ हो जहाँ प्राण अटके हैं जैसी रहेगी यथा मति तथा गति हो यथामति स्मृति अब अब ये तो खैर अध्यात्म की प्रक्रियाओं पर मैं आपको गहराई में नहीं करूँगा तो आप देखिए वो हिरण बने और स्मृति थी तो फिर वहाँ कलिंजर पर्वत से आए फिर उन्होंने ध्यान धारणा की गंडकी नदी के जल में विसर्जित किया अपने आप को और दूसरे जन्म में अंगीरस गोत्री के यहाँ वो जो है जड़ भरत के रूप में उनका अवतरण हुआ और तब वहाँ उन्होंने सिंधु सवीर देश के राजा को जो है ज्ञान की दीक्षा दी और अपना जीवन सफल किया कहते हैं कालांतर में यही जन्म लेते लेते महावीर बने अच्छा स्मृति ने नरसिंह नारायण की यात्रा कर ली ली कर रही, कर रही आपको तीर्थंकर बना दिया स्मृतियों के तीर्थ में डूबते डूबते अच्छे बुरे प्रक्रियाओं को फल भोगते भोगते आप वो बन गए अपनी प्रक्रियाओं पहुंच गए अब नित्य प्रति अपने हाँ क्या होता है आप देखिए बैठा हुआ व्यक्ति स्मृति कैसा वो करती है एक बैठा हुआ व्यक्ति बड़े शांत भाव से बैठा है वहीं उनका बड़ा पुत्र आया और कैसे हैं बाबू आप क्या चल रहा है अब आपको स्मृति आ गई एक दिन इसने ऐसा कह दिया था मेरे को स्क्रीन में दिख गया एकदम क्या हाल है तुम्हारा उसके प्रति तुम क्रोधित हो जाओगे क्यों उस समय कुछ नहीं कर रहा है वो स्मृति की कड़वाहट आपके जीवन आ, में, आ, चानम 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 में आ गई फ्लैश बैकम क्षण कभी प्रेम में आ गए तो लाड़ से हाथ फेरने लग जाओगे मेरा कितना अच्छा पुत्र है औषधियों का कितना ध्यान रखता था और कैसा किया था ये ये स्मृतियां स्मृति ही मोह बन जाती है आपकी स्मृति अच्छी बुरी नहीं होती इसमें स्मृति हमेशा बुरी होती है ये आपको बांधती है भवबंधन से निकालने में रोक कर रखती है यही स्मृतियां आसक्ति बनती है यही स्मृतियां मृग तृष्णा का रूप लेती हैं मृग से जो तृष्णा हुई ना तृष्णा उनको हुई हाँ। तब से वो शब्द आया मृग तृष्णा।, तृष्णा मारीच तो ये स्मृतियां आती है अब देखिए इसके विखंडन का कितना स्मृतियां आपको तो दुखी करती ही करती है स्मृतियों का ये शेष स्मृतियों का ये अवशेष दोनों चीजें hmm. शेष लोगों के लिए और शेष आपके लिए ये okay. दोनों ही व्यथित करने वाली होती है hmm. hmm. चित्रकेतु का एकमात्र पुत्र सैकड़ों रानियों के बीच होने पर जब मृत्यु को प्राप्त हो गया hmm. तो चित्रकेतु और उनकी करोड़ों रानियों ने त्रिलोक को व्यथित करने वाला विलाप किया था hmm. इतना रोए उस पुत्र को गोद में लेकर के इतना रोए कि जिसकी सीमा नहीं रोते रोते त्रिलोक हिल गया तो देवताओं ने कहा भाई ये कोई शोक है तो देवताओं ने अंगिरा ऋषि और नारद को भेजा कि जाओ उनको समझा के आओ पुराण की बात कह रहा हूँ तो वो उनको समझाने आए क्यों रो रहे बोले हमें हाँ तो वो पुत्र चाहिए मेरा पुत्र कहाँ है अब नारद जी ने कहा कि ठीक है योग बल से नारद जी ने उसके पुत्र का आवाहन किया उसके पुत्र की दिव्यात्मा आकर स्थिर हो गई बोली कहिए ऋषि आपने मुझे बुलाया अरे बोले पिता ये तुम्हारे दुखी हो रहे हैं बोले कौन पिता बोले इतनी देर में तो संसार में मेरी इतने प्रकार की योनियों में जन्म हो गया है कि मेरे अनेकों अनेक पिता हो चुके हैं ये कौन से जन्म के पिता हैं मेरी <laughs> स्मृति में नहीं है तब वहां उन्होंने ज्ञान दिया था नारद जी हाँ। ने कि जिसके लिए रो रहे हो वो पुत्र तो तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है जिसका नाम तुम पुकार कर रो रहे हो वो नामधारी शरीर यहाँ पर है जो आराम था वो चला गया तुम्हारे पास से जीवन में तो जो लोग स्मृति के भवर में पड़े हुए हैं उन्हें पिताजी के मेरे बताए हुए ये सूत्र याद रखना चाहिए तो स्मृतियां संचयी प्रभाव को त्याग दे संचयी प्रभाव को पिताजी ने कहा था भूतकाले भूतश वर्तमान वर्त थे भविष्यकाले भविष्य किम चिंताम करी शे उन्होंने कहा था जो भूतकाल वो भूत है बीत गया चला गया वो चला भूतकाले भूतश क्षण भविष्य काले भविष्य उसका अनंत है कुछ नहीं कह कुछ सकते।, नहीं सकते तो क्या करिए वर्तमान आज रहिए अभी रहिए और इसी क्षण रहिए उतना ही तुम्हारा जीवन है उतना ही जीवन है तो जो कार्य आया है उसको करते हुए उसी क्षण रहिए उसमें विद्यमान रहिए और पूरा रहिए काम कर रहे हैं और मुन्ना याद आ रहा है काम कर रहे हैं और दोस्त याद आ रहा है पढ़ रहे हैं और दृश्य कहीं और का दिख रहा है मन का ये पटल तो आपके साथ है ना ये स्मृति से ही संचालित तो ये जो स्मृतियां हैं यही वो बाधा है जो हमें वर्तमान में रहने नहीं देती है। दे वर्तमान में रहने और वर्तमान ही जीवन है वर्तमान ही जीवन तो, तो आप जीवन छोड़कर दौड़ रहे हैं ना आप अतीत में तो नहीं पहुंच सकते भूतकाले भूतकाल भूतश्षण चिंता करी वो तो बीत गया हाँ लेकिन अगर आप वर्तमान में वर्तते रहेंगे पूरी तन्मयता से तो एक फायदा होगा ये वर्तमान कुछ क्षण के बाद अतीत बन जाएगा ठीक बात है और इसी वर्तमान के कारण आप भविष्य में प्रवेश करेंगे तो आपका अतीत भी सुखद होगा और भविष्य भी सुंदर इनका जो आकर्षण है भविष्य में भी छलांग लगाने का और अतीत में जाने का भी या फिर अच्छे बुरे जो भी जीवन में घटित हुआ है उसको अपने जीवन के साथ किसी प्रिय वस्त्र की तरह उसको साथ लेकर चलना इसीलिए सन्यासी जब निकलते हैं इस मार्ग पर तो वो अपना स्वयं का पिंड दान भी करते हैं देखिए जी फला शक्ति का त्याग कर देना चाहिए पिंड दान कर देना पर्याप्त पर्याप्त नहीं है।, नहीं है ये तो एक कहावत के रूप में इसको आप लीजिए कि मैंने अपना पिंड दान कर दिया कई लोग क्रोध में कहते हैं मैं पिंड दान करके आ गया अपना ये स्मशान वैरागी भी हो सकता है आज तो पिंड दान करके आ गए पिंड का दान करना अर्थात शरीर को विस्मृत कर देना और आत्मा में रमण करने के बाद ये होता है पिंडदान का पिंड शरीर है है तो आत्मा में रमण क्या क्या आप कर कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद फिर ध्यान आएगा आपको रहा आजकल बबलू तुरंत आपका ध्यान गया ना तो बबलू है ना चिंतन में मुनिया है ना चिंतन में पड़ोसी है ना चिंतन में तो पिंड दान कहाँ किया आपने आपकी दृष्टि से क्या भेद खत्म हो गया तो पिंडदान कर दिया स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है पिंड दान करने वाले व्यक्ति बिना पिंडदान किए जो पिंडदान का जीवन जीते हैं वो सन्यासी होते हैं सुखदेव जी सन्यासी हैं। देखिए आप वो सन्यास का जीवन है उनको मालूम ही नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है हुँ. कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है जब वो निकल रहे है, तो हैं तो स्त्रियां पर्दा भी नहीं डाल रही हैं। क्यों अरे है तो अभेद वाला अविचे अच्छेद वाला चला जा रहा है ये विच्छिन्न नहीं है अविच्छिन्न हो चुका है परमात्मा में रम चुका है बहुत अद्भुत तो बात तो उस है। प्रक्रिया में जा रहे हैं ना जी जी तो इसलिए आप एक मूल सिद्धांत अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि हमारी फला शक्ति हमको इस स्मृति में बांधे रखती है वाह वाह वा, वा। फला शक्ति मतलब जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते हम वो नहीं करते उसके अलावा सब करते इसलिए स्मृतियां रहती है वाह डॉक्टर साहब एक छोटी सी कथा मुझे भी याद आई दो संन्यासी नदी पार करते समय निकले एक ने कहा कि दो सन्यासी युवा सन्यासी जिन्हें सिखाया गया कि अपने लक्ष्य की तरफ मुक्ति की तरफ ज्ञान की तरफ चलो वहीं एक स्त्री भी है जो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर आई है नदी उफान पर है एक सन्यासी द्रवित होता है वो कहता है बहन मैं तुमको छोड़ देता हूँ तुम मेरी पीठ पर बस मुझे पकड़ लेना अच्छे से जिससे बह ना जाओ फंती नदी में दूसरा कहता अरे स्त्री को छूने तक से गुरु जी ने मना किया है और तुम यहाँ स्त्री को अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ ले जाओ खैर प्रक्रिया संपन्न हुई लेकिन जो दूसरा शिष्य जो इसका विरोधी था वो बार बार कहता रहा तुमने अनर्थ कर दिया तुम्हारे मन में उस स्त्री का विचार था तुम कपटी हो कुटिल हो कामी हो वो हंसकर मृदु हास्य से कहता है मैंने तो उस पार उतार दिया स्त्री को तुम्हारी पीठ पर तो अभी भी लदी है ऐसे अनेक प्रसंग हैं जीवन में कि हमारे जैसे ही हम किसी को देखते हैं शुरू हो जाते हैं अरे ये महान पापी आदमी है मालूम है इसने पैसा कैसे कमाया है मालूम है इसने कैसे कमाया अपने बच्चे को देखेंगे मालूम है आप मेरा बच्चा कितना बड़ा माता पिता का यही वो चीज है जो आपकी पीठ पर लदी है किसी के यहाँ नई गाड़ी आ गई किसी का अच्छा ग्रह प्रवेश हो गया आपका रोम रोम जल उठता है पीड़ा से भर जाए क्योंकि स्मृतियां बैठी हैं वहां ऑफिस में किसी की तरक्की हो गई कुछ कहना देखिए मैं इतना देख। चिंतन कर रहा था आपको सुन करके मुझे बड़ा एक नई चीज ध्यान आई हम लोग इस पर बात करते हैं स्मृति राग है जैसे खटराग है ना स्मृति भी एक राग है और विस्मृति अनुराग है आहा। आप अनुराग आहा। के रास्ते में चलो ठीक और भूल जाओ बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, है राग बांधता नहीं है बांधता है राग अनुराग मुक्त करता है तो आप चुन लीजिए कि कौन आपको किसी चाशनी की तरह जकड़ लेगा और आपको हर क्षण ये फील होगा यहाँ चिपका है कुछ यहाँ चिपका है और अनुराग मुक्ति के जैसे सुखदेव जी की गाथा कितनी सुंदर गाथा है कि स्त्रियां भी जान रही कि भेद ही नहीं करता है ये व्यक्तित्व तो इतना संतात्मा की किस श्रेणी में है ये कि स्त्रियों के मन में ये भाव नहीं है नहीं तो आप देखिए ना क्यों कितना भाव रहता है सकुचाते संकोच करते झिझकते लजाते तो जीवन बीत जाता है करोड़ों लोगों का इसे मुक्त रहिए और स्मृतियों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपनी शक्ति से बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब बहुत ही आनंद आया क्या कहूँ है प्रणाम आपसे हर विषय जबकि इसके अनेक रूपों पर आपसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ लेकिन हर बार कुछ नया अनुष्ठान आपके शब्दों से संधान होता है और मैं चमत्कृत होकर सुनता हूँ क्योंकि उस गाथा का सबसे प्रथम श्रोता मैं ही होता हूँ बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे प्रणाम नमस्कार